भोपाल की उत्तर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस के गढ़ में भाजपा का विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान आलोक शर्मा ने कहा कि वो इस बार कांग्रेस का किला ढहा देंगे। कांग्रेस विधायक ने क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया है। आलोक शर्मा उत्तर विधानसभा में जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि पुराने शहर की जनता मेरे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। हम कांग्रेस का किला ढहा देंगे। विधानसभा से हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, जो कि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कैसा उनको समर्थन मिल रहा है, आइए उनसे जानते हैं। जी, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत ऐतिहासिक जन समर्थन आज यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ के ऊपर हम चल रहे हैं। ये ईदगाह हिल का क्षेत्र है। लगभग 20,000 मतदाता यहाँ पे निवासरत रखते हैं। ये वो हितग्राही है जिनको प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ मिला है। निश्चित रूप से ये मेरा परिवार है। आज मेरे साथ चाची चल रही है, अम्मा चल रही है, बुआ चल रही है, मेरी बहन चल रही है, मेरी बाजी चल रही है, खाला चल रही है। सबका जबरदस्त उत्साह मिल रहा है और निश्चित रूप से इस बार पुराने शहर में कमल का फूल खिलने वाला है। 30 सालों से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है यहाँ पर, क्या कुछ किले से लोगों को मिले? कुछ नहीं, कांग्रेस के किले को हम ढहाने का काम करेंगे। इस बार सारी चीजें गलत साबित होंगी और निश्चित रूप से पुराने शहर में कांग्रेस के प्रति जबरदस्त गुस्सा है, कांग्रेस के विधायक के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। जनता हमारे साथ है, भाजपा के साथ में है। शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ में आप देखिए, छोटा हो बड़ा हो हर जगह लाभ मिल रहा है और निश्चित रूप से इस बार पुराने शहर में कमल का फूल खिले। क्या कुछ कमियां निकाल के आई है, देख रहे हैं आप जो अब जो दौरे पे हैं, क्या कुछ कमियां हैं यहाँ पर? ना सड़क है, ना नाली है, बाबा आदम के जमाने के पोल लगे हैं। कब तक आप जात के नाम पे, पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे वोट लेते रहे परंतु विकास नहीं किया? जनता सब समझती है। जनता ने इस बार ये ठान लिया है कि इस बार हम अपने बेटे आलोक को इस बार चुनाव जिताएंगे। जनता का मुझे जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है। क्या कुछ विकास करेंगे? इसके लिए हमने एक विकास का रोड मैप बनाया है। वो विकास के रोड मैप हम बनाएंगे और रोड मैप के तहत जनता से सीधा चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। जब मैं भोपाल का महापौर था, भोपाल की चौपाल लगाता था, इस बार मैं विधायक बनूंगा, हर वार्ड में विकास की चौपाल लगाऊंगा, जनता की समस्या सुनूंगा, जनता के सुझाव लेकर सबसे पहला काम जो मेरी प्राथमिकता होगी वो प्राथमिकता होगी कि मैं पुराने भोपाल में पलायन हो रहा है, पलायन को रोकूं। आलोक शर्मा जी जो कह रहे हैं कि अगर ये चुनके आते हैं तो सबसे पहले पुराने भोपाल का विकास करेंगे और जो पलायन हो रहा है उसे रोकेंगे। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।